स्टूडेंट्स टुडे आई विल टीच यू अबाउट एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। लास्ट डे आई हैव गिव यू ए वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट इन द प्री टेंस हाउ वुड वी मेक पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इन द प्री टेंस। हियर प्रेजेंट in the present tense, present in the tense के जितने भी हमें पैसे वॉइस बनाने हैं उनके रूल इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे present in the tense का रूल क्या है, टू मेक द सेंटेंस, हाउ वुड वी मेक द सेंटेंस ऑफ present in the tense। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस कॉमा ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। इट इज अ रूल ऑफ मेकिंग सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस बनाने का ये फॉर्मूला है। लाइक अब हम सेंटेंस देखते हैं। Here he is a subject, eat be first and s then object। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में s, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देन आई हैव मेड द पैसिव वॉइस ऑफ द ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मेट सुनिए। इसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड लास्ट by then object। subject is rn verb in third form plus by object। it is a formula of making the passive voice। ye present indefinite hai। present indefinite mein hum kis tarah se kisi bhi sentence ko passive voice mein banayenge, to present indefinite ka ye rule hai only sentence banane ka। और इट इज अ रूल ऑफ टू मेकिंग द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस के लिए हम क्या करेंगे, ये इस रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो करते क्या हैं, जब किसी सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में चेंज, किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं और वो सेंटेंस किसका हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, तो ही ईट्स द फूड, तो द फूड इसमें ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट, यानी यहाँ हो गया द फूड। देन इट इज जस्ट रिलेटेड टू प्रेजेंट इन द प्रेजेंट टेंस, तो प्रेजेंट इन द प्रेजेंट के अकॉर्डिंग द फूड सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज आर एम यूज करना है इसमें, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा इज। देन ईट, ईट यह है ईट। अब यहाँ पर हमें जब पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, इट इज अ एक्टिव सेंटेंस, ये एक्टिव वॉइस है। और अब हम इसे पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो पैसिव में चेंज के लिए ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, यानी द फूड जो था वो ऑब्जेक्ट बनाया, उसको हमने सब्जेक्ट मान लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब क्या है यहाँ ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो द फूड इज ईटन व्हाइल, देन जस्ट जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, यानी जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा व्हाइल ही का इन। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्मेट
के अकॉर्डिंग यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक टेंस कंप्लीट हो गया यानी एक्टिव टू पैसिव। ये इस ये एक्टिव सेंटेंस है और ये हमारा क्या बन जाएगा कैसे होगा पैसिव। इसी तरह अगर इसका नेगेटिव फॉर्म आता है जैसे ये इसका व्हाट्सएप नंबर कंप्लीट तो ये ग्रुप से लेफ्ट हुआ तो तुम कंप्लीट किया गया ऐसा ये नंबर जुड़ा था कंप्लीट हिज वर्क। अच्छा तो इसमें राहुल डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क ये नेगेटिव फॉर्म में है। ये फॉर्म किसका था अफर्मेटिव ये अफर्मेटिव में बनाया था हमने यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हम बनाएंगे नेगेटिव। नेगेटिव में राहुल डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क और जब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे इट इज एक्टिव सेंटेंस एक्टिव तो इसको पैसिव में जब बनाएंगे तो हिज वर्क हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट। हिज वर्क इज नॉट और कंप्लीट वर्क की फर्स्ट फॉर्म है ये और इसे हम इसके अकॉर्डिंग रूट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे वर्क की थर्ड फॉर्म इसे कंप्लीटेड देन वाई एट टास्क जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सॉरी जो सब्जेक्ट है यहाँ पर राहुल वाई राहुल इट इज अ पैसिव सेंटेंस। तो राहुल डज नॉट कंप्लीट हिज वर्क इज नॉट कंप्लीटेड बाय राहुल इट इज अ पैसिव। तो ये दो फॉर्म हो गए ये अफर्मेटिव फॉर्म हो गया ये नेगेटिव फॉर्म हो गया इसका एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी का इंट्रोगेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का बताऊंगा।